स्वागत है। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय पर बात करने वाले हैं। वो कौन सा? आज हम बात करने वाले हैं DPS यानी दिल्ली पब्लिक स्कूल्स के एडमिशंस के फुल डिटेल के बारे में। उसके डेट निकल चुके हैं। इफ यू आर नॉट अप्लाइंग, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, प्लीज गो एंड अप्लाई। टुडे वी आर गिव यू ऑल द फुल डिटेल्स टू हाउ टू फिल द फॉर्म वेरी एक्यूरेटली। कैसे फॉर्म को फिलअप करना है, क्या क्या डिटेल्स मांगे गए हैं। अगर आप DPS के फॉर्म नहीं भी फिल कर रहे हो तो घबराने की कोई बात नहीं है। इस वीडियो के माध्यम से आप समझ सकते हो कि कैसे फॉर्म को फिलअप किया जा सकता है, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, क्या कैसे कैसे डॉक्यूमेंटेशन लगते हैं, कैसे कैसे सब चीजें आप समझ जाएंगे। बिकॉज आफ्टर फ्यू डेज ऑल द गुड स्कूल आर बैक टू बैक प्रोड्यूसिंग देयर एडमिशन फॉर्म वेरी सून। सो इफ यू आर न्यू टू आवर चैनल, पहली बार हमारे वीडियोज को आप यूट्यूब पर देख रहे हो, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, प्लीज लाइक से सब्सक्राइब प्रेस नोटिफिकेशन बेल फॉर लेटेस्ट वीडियोज। वी आर अपलोडिंग ऑन मिशन एडमिशन 2023। सो बिना देर किए शुरू किया जाए आपने ये प्यारा सा वीडियोस। हमारे बहुत से प्यारे प्यारे बच्चे आप इस स्क्रीन पर देख सकते हो, बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं हम आपके बच्चे को ट्रेंड करें, देन व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, देन प्लीज द नंबर्स, नंबर इज गिवन, दैट इज 9472163206। अगेन 9472163206। यू कैन कॉल टू टॉक टू अवर कस्टमर केयर रिप्रेजेंटेटिव्स और यू कैन टॉक टू मी ऑल्सो ऑन दिस नंबर्स। सो स्टार्ट आवर वीडियो। तो देखा जाए यहाँ पे स्टूडेंट का फॉर्म निकल चुका है, दिल्ली पब्लिक स्कूल्स रजिस्ट्रेशन फॉर्म। यहाँ पे आपको देखना है इफ डॉक्यूमेंट्स आर अपलोडेड लिस्ट इज नॉट अपीयरिंग प्लीज रिफ्रेश योर पेज, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर। यहाँ पे सिबलिंग का ऑप्शन दिया हुआ है, अगर सिबलिंग है तो यस करना है। कैंडिडेट नेम का जो साइज है वो 3.5 से लेकर 4.5 और जो साइज है वो 1550 KB के JP फॉर्मेट में होना चाहिए। किस क्लास के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, क्लास 1 नर्सरी प्रिपेटरी, इसके लिए आप ऑप्शन यहाँ पे चूज कर सकते हो, उसके बाद ही आप अच्छे से अप्लाई करिए। कैंडिडेट का नेम क्या है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम अच्छे से, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट क्या है, एज अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा, ईमेल, उसके बाद आधार नंबर बच्चे अगर है तो, नेशनलिटी किस तरह की है उस पर देना है, मोबाइल नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसके बाद जेंडर क्या है, मेल है फीमेल है, एड्रेस क्या है उस पर ध्यान डालना है, किस सिटी से आप बिलोंग करते हो, स्टेट क्या है आपका, पिन कोड क्या है, उसके बाद किस कंट्री, कंट्रीज ऑल मैंडेटरी, स्टेट ऑफ डोमिसाइल किस का आशा है, किस कैटेगरी क्या है आपकी, जनरल है SC है ST है वो जरूर भरे यहाँ पे, डोमिसाइल रिलीजन क्या है आपका, हिंदू क्रिश्चियनिटी जो भी हो, एंड एनी मेडिकल कंडीशन रिक्वायर्ड स्कूल स्पेशल अटेंशन उसको मांगता है उसको जरूर फिलअप करें, ये देना कतई ना भूलें। रिमार्क का कुछ कोई आपका है वो भी डाल सकते हैं यहाँ पे, कॉरेस्पॉन्डेंट रिलेटिव आपको अगल बगल स्कूल के रहता है तो ये भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। स्कूल ट्रांसपोर्ट अगर रिक्वायर्ड है तो उसको टिक माना नहीं भूले, और फादर का जो साइज है वो भी 3.5 से लेकर 4.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, और साइज लिमिट जो है 150 KB से ज्यादा नहीं हो, JPEG फॉर्मेट में ही होना चाहिए। फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम मैंडेटरी, ईमेल ID जरूर डालना है यहाँ पे, मोबाइल नंबर इज ऑल्सो मैंडेटरी, लैंडलाइन नंबर इज नॉट मैंडेटरी। क्या ऑक्यूपेशन है, फादर डॉक्टर है, इंजीनियर है, टीचर है, क्या उनका ऑक्यूपेशन है, बिजनेसमैन है, जो भी है वहाँ पर ऑक्यूपेशन जरूर सेट कर ले, किस ऑर्गेनाइजेशन में वो वर्क करते हैं, ऑफिस का एड्रेस क्या है, क्वालिफिकेशन MSc BEd MEd जो भी उनको, डॉक्टर इंजीनियर, एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन डिजाइनेशन क्या है उनका, एनुअल इनकम दैट इज आल्सो मैंडेटरी। आफ्टर दैट मदर्स का भी सेम 3.5 to 4.5 150 KB का होना चाहिए, मोबाइल नंबर, लास्ट नंबर, ईमेल ID इज आल्सो मैंडेटरी, ऑक्यूपेशन क्या है मदर का, ऑर्गेनाइजेशन क्या है वो भी डालना बहुत जरूरी है, ऑफिस एड्रेस इज आल्सो, क्वालिफिकेशन क्या है, डिजाइनेशन उनका क्या है, किससे आप बिलोंग वो बिलोंग करती है, एनुअल इनकम उनका क्या है, नंबर ऑफ सन एंड डॉटर्स क्या है, स्कूल इन्फॉर्मेशन बच्चे का जो भी डालना है, अगर आप 2 और 2 से ऊपर जा रहे हो तो पर्सनल एड्रेस क्या है, एड्रेस सर्टिफिकेट क्या है, सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ से इन्फॉर्मेशन मिला उसका, बोर्ड का बर्थ सर्टिफिकेट ऑल्सो मैंडेटरी, एड्रेस प्रूफ, स्टूडेंट आधार कार्ड अगर हो, जो कि हो तभी डाल सकते हैं आपको, कार्ड सर्टिफिकेट हो, करेंट सेमेस्टर रिपोर्ट कार्ड आपको देना है, लास्ट ईयर रिपोर्ट कार्ड देना है आपको, बोनाफाइड सर्टिफिकेट। अब जो बातें यहाँ पे आ गई, डेट ऑफ बर्थ क्या, सर्टिफिकेट, जो भी फोटो आपका होगा अबव द नेक हो या तो फादर का हो या तो मदर का हो, जो भी हो अबव द नेक ही आपको लेना है, और फाइनल रिपोर्ट कार्ड आपको अप्लाई करना है, इफ यू आर अप्लाइंग फॉर क्लास 2 एंड अबव, करंट एकेडमिक सेशन सेमेस्टर रिपोर्ट कार्ड भी आप डाल सकते हो, क्लास 2 और क्लास 2 के अबव आप रिपोर्ट कार्ड जमा कर रहे हो तो, इन द एब्सेंस ऑफ लेटेस्ट सेमेस्टर रिपोर्ट कार्ड, अ सर्टिफिकेट फ्रॉम द स्कूल्स हेड ऑफ प्रेजेंट स्कूल मेंशनिंग हिज डिटेल एकेडमिक परफॉर्मेंस, बोनाफाइड सर्टिफिकेट जो कि स्कूल बनाता है उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो, प्रूफ ऑफ एसिडेंस के लिए पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, लेटेस्ट LCT बिल, लेटेस्ट टेलीफोन, मोबाइल नंबर्स, उसके बाद आप SC ST OBC कमेटी के है तो उसका भी इशू होता है, उसको भी आप डाल सकते हो यहाँ पे, आधार कार्ड भी बच्चे का डाल सकते हैं अगर अवेलेबल है, और उसके बाद लास्ट में सब चीजें ध्यान से पढ़ लीजिएगा, अंडरटेकन दैट आई विल एक्सेप्ट ए पोस्ट ऑफ एडमिशन एंड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड in the school's website and promise to abide by the rule and regulation of the schools. I always understand and agree that all the matters pertinent
टू एडमिशन डिसीजन ऑफ स्कूल अथॉरिटीज इज विल बी फाइनल एंड बिंडिंग। हर एक चीज वहां का मैंडेटरी है, ध्यान से फर्स्ट स्कूल को फॉर्म के लिए उसको यहाँ पे एग्री फिल करके और यहाँ पे पेमेंट पे आप क्लिक कर सकते हैं। फॉर्म फिलअप करने से पहले सलीके से हर एक चीज पर विचार कीजिए, हर एक चीज पर विचार करने के बाद ही आप फॉर्म को फिलअप करें। घबराहट में कतई फॉर्म को फिलअप आप ना करें, ध्यान से हर एक चीज जो रेड मार्क्स से डॉट से किया हुआ है दैट इज वेरी